हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फोटोशॉप में क्रिएटिव सा डिजाइन बना के दिखाने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सेम हम इसी तरह के डिजाइन बना के दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। तो आपने जितने भी डिजाइन देखे इनमें से कोई एक ही डिजाइन हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे, क्योंकि जो जितने भी डिजाइन आपने देखे उन सबको बनाने का तरीका एक ही है, सेम तरीके से बनाए गए हैं, एक ही तरीका है। क्योंकि एक डिजाइन बनाना आप सीख लोगे तो सारे के सारे डिजाइन, जितने भी आपने डिजाइन देखे ये सारे डिजाइन आप खुद ही डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए इमेज वगैरह नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मेरे पास जो भी प्रैक्टिस के लिए इमेज हैं सारी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप कहोगे तो PhD फाइल भी मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप अपना फोटोशॉप ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद जब आपका अपना फोटोशॉप ओपन हो जाए तो आपने क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे मेरे सामने हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना जो भी डिजाइन है उसका जो साइज रखना चाहते हो यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे फिल करके रख सकते हो। यहाँ पे जो मैं अपना जो विड्थ और हाइट रख रहा हूँ ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज ओपन करनी है, ठीक है। कोई भी आपके पास इमेज है उसको ओपन कर सकते हो, या फिर जो मैं आपको टेलीग्राम में इमेज दूंगा उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल मेनू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना है, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे प्लेस इम्बेडेड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्लेस वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप फोटोशॉप में इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आपके पेज के ऊपर जो इमेज है ओपन हो गया है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक करोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट वाले में गए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है आपने, यहाँ पे नीचे वर्टिकल टाइप टूल है इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक टेक्स्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं, काफी छोटा टेक्स्ट है तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। शिफ्ट प्रेस करोगे और इसको बड़ा कर लोगे, ठीक है। इसको बड़ा कर किया, ठीक है। अब हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको इरेज करके हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी आप अपने अपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। अपना टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं हम। यहाँ से जो ऊपर बॉक्स बना है यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो आप अपना कलर जो है यहाँ से आसानी से चेंज करके यहाँ से ओके कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे मूव टूल पे आएंगे, ठीक है। इसको आप जहाँ रखना चाहते हो वहाँ पे मूव करके ले जाओगे और शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करोगे तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा, चारों तरफ से इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है सब एक साथ बड़ी होगी। अगर अदरवाइज आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हो, आप इसको ऐसे बड़ा करोगे तो जिस साइड से आप बड़ा करोगे वो सिर्फ उसी साइड से बड़ा होगा, और जिस साइड से आप छोटा करोगे सिर्फ वही उसी साइड से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप टिक करते हैं। अब इसके आते हैं प्रॉपर्टी पैनल में, यहाँ पे आ जाना है इसके प्रॉपर्टी पैनल में। अब यहाँ पे इसको और क्लोज करना है, इसको और क्लोज करेंगे तो मिनिमम जितना क्लोज हो सके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेट है यहाँ से बढ़ा लोगे इसको, मतलब और बोल्ड कर लोगे, ठीक है। इसका वेट, इसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेयर पैनल को एक्टिवेट करेंगे करेंगे और जो इमेज की लेयर है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ठीक है, या फिर
आप अपने इमेज वाले लेयर को ड्रैग करके या नीचे ले आओगे, जहाँ प्लस वाला आइकन है वहां पे ले आके छोड़ोगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये वाला जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसके लेयर को नीचे लेके आना है, जो इमेज वाली लेयर है उसके नीचे, जो एक लेयर दो इमेज की लेयर आपने बनाई थी उन दोनों के बीच में आपने इस टेक्स्ट वाली लेयर को रखना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो एक इमेज की लेयर की कॉपी है मेरी, एक टेक्स्ट के ऊपर है जो मैंने अभी लिखा है और एक टेक्स्ट के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह रख लेना है अपने लेयर को, इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, नीचे वाली इमेज की लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली हाइड कर देंगे। अब हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसके बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट में गए हम और यहाँ पे सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनी होगी, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, ऑटोमेटिक फोटोशॉप ने सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा लेयर मास्क का, लेयर पैनल के यहाँ पे नीचे बॉटम साइड में, यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लेयर मास्क का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर लेयर को हाइड करेंगे, सॉरी अनहाइड करेंगे, दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस करके लेयर के अंदर दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा अपनी तरफ से एडजस्ट करेंगे जहां इसको रखना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करोगे, ऊपर वाले तो हाइड कर दी, अब हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे इसको यहाँ लेके आते हैं, इसके ऊपर इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई है उसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से आप अपना टेक्स्ट भी एडजस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इसको एडजस्ट करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं इसके अंदर। उससे पहले टेक्स्ट लिखने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसको अनलॉक करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफएक्स वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया है, कलर यहाँ पे मेरा फिल था पहली, तो यहाँ पे फिल हो गया। तो आप इसको फिल करना चाहते हो इसमें ग्रेडियंट कलर, तो क्या करोगे, यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, एक बार सिंगल क्लिक करना है, फिर ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, अपने इमेज में से ही कोई एक कलर सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से, मान लो मैं कोई भी एक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो सबसे लाइट कलर है उसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जो लाइट कलर होगा उसको सिलेक्ट करके ओके कर दोगे और यहाँ पे दूसरी साइड ने आप दूसरे साइड जो है उसमें हमने व्हाइट कलर ही हमने सिलेक्ट रखना है। ठीक है, ओके करोगे, फिर यहाँ भी ओके करोगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने जो इसके एंगल को, इसके जो स्केल साइज को, उसको एडजस्ट करना है यहाँ से, इसके साइकिल जितना कम करोगे तो कलर मैच नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब कलर मैच नहीं हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप कलर मैच नहीं हुआ हमारा, दोनों दो कलर है वापिस में पता लग रहा है। आप इसके स्केल साइज को जैसे जैसे बढ़ाते हो यहाँ पे कलर मैच होगा। ठीक है, कलर आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसकी ऑपसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, जितनी ऑपसिटी इसकी रखना चाहते हो यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स क्या काम करता है, यहाँ पे रिवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये पॉजिट हो जाएगा। अब देख रहे हो, पहले आपका क्या था, पहले यहाँ पे व्हाइट इस साइड था तो आपका व्हाइट अपोजिट चला गया और रेड इस साइड आ गया, तो रिवर्स इस तरह काम करता है। तो आप इसके अंदर आओगे इस स्टाइल में, तो अलग अलग तरह के स्टाइल मिल जाते हैं, कोई भी स्टाइल यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं ले लियर यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे एंगल, जिस एंगल में आप इसको रखना चाहते हो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ कर दिया इस एंगल में, जिस एंगल में भी इसको रखना चाहते हो यहाँ से आप उसका एंगल बता सकते हो कि हमने इसको इस एंगल में रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे और कुछ नहीं है ज्यादा, फिर यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक और चीज बता सकता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे वही चीज ओपन हो जाएगी आपके सामने। इसको आप मूव टूल से इसको, इसका कलर को इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं मूव करके। ठीक है, फिर ओके कर देना है यहाँ से।
अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह पहले लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने अपने जो है नोट पैड में यहाँ पे टेक्स्ट लिख के रखे हुए हैं, उनको कॉपी करता हूँ। यहाँ से पहले वाले टेक्स्ट को कॉपी किया। सबसे पहले तो कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। इसको बड़ा किया। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्या करते हैं इसमें जो नोट पैड में हमने टेक्स्ट लिख के रखे हो उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाते हैं और इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको पेस्ट किया और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको यहाँ से चेंज कर, यहाँ से हमने चेंज कर लिया। अब हमने शिफ्ट प्रेस के इसको बड़ा किया, जितना बड़ा रखना चाहते हो यहाँ पे इसको बड़ा रख सकते हो। नेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखना है हमने क्या करना है, अब इसी लेयर की यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, अल्ट प्रेस करता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो इसी की एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और फोटोशॉप में आएंगे, अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, ठीक है। अब ये सिलेक्ट है, अब इसका फॉन्ट साइज है यहाँ पे हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट किया, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टैक्स वाले में जाना है और इसमें रेगुलर है यहाँ पे है, इसको लाइट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको लाइट कर दिया, जो विद और कम करते हैं, ठीक है। अब इसको ये जो है टैक्स इसके ज्यादा क्लोज में है तो उसको हम थोड़ा हटाएंगे, मतलब दूर दूर टैक्स एक एक जो वर्ड है दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे पूरा 100 सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए दूर हो गया, ठीक है। फिर इसको और छोटा करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर वाले के टैक्स को भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसके भी प्रॉपर्टी पैनल में इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसका भी जो स्पेस साइज है उसको हम बढ़ाते हैं, 25 कर दिया, ठीक है, कम कर देते हैं और 10, ठीक है। ठीक है, अब इसको अल्ट प्रेस करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और फिर से अल्ट प्रेस करेंगे, एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, यहाँ पे नीचे रखेंगे और इसमें क्या करते हैं हम अपने दूसरे टैक्स को यहाँ से कॉपी करते हैं, कूल एंड क्लीन वाले को, ठीक है। अब इसके अंदर आके पेस्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिया, यहाँ से टिक करेंगे। अब इसको जो लाइट हमने फॉन्ट साइज जो जो लाइट वेट सिलेक्ट किया था इसका, ठीक है, यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको बोल्ड कर दिया। अब इसका साइज बढ़ा देते हैं हम शिफ्ट प्रेस करके, इसको साइज बढ़ाते हैं और इसका स्पेस वैल्यू है जो उसको कम करते हैं, यहाँ से 25 कर देते हैं। अब नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे उसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल पेज से पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऊपर रखते हैं यहाँ पे, अब इसको छोटा करते हैं, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस किए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो आधा डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक कूल वाला जो इमेज का लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर वाली जो इमेज की लेयर थी वो हमने हाइड करके रखी थी उसको अनहाइड करेंगे। अब हमने सिर्फ क्या करना है, ऊपर वाली इमेज पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट क्लिपिंग मास्क, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी इमेज जो है क्लिक हो गया, क्लिपिंग मास्क हो गई है, ये कूल वाली जो जो लेयर है उसके जस्ट ऊपर वाली इमेज अपने जस्ट उसके ऊपर रखनी है इमेज, ठीक है, उस लेयर को आपने क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये आपके टैक्स के जो टैक्स था आपका जो कूल हमने लिखा है इसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो गई है ना। यहाँ पे जो कूल वाली लेयर है ना उसके अंदर आपने स्टोक लगाना है, इफेक्ट्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे, स्टोक वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर आपने स्टोक लगा दिया। मैंने 5, यहाँ 5 पिक्सल का स्टोक का साइज है मैंने रखा है, यहाँ पे इसको बड़ा घटा भी सकते हो, फिर यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है। तो आप ये देख सकते हो आपका जो डिजाइन है पूरी पूरी तरह तैयार है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको डिजाइन भी पसंद आया होगा, वीडियो भी समझ आया होगा। तो गाइस कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही है, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, अगर आपको अपनी मर्जी है सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है? अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो गाइस आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।